यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पार्क है और पार्क के बगल आप लोग देखिएगा, ये प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा लगाई गई है जो कि बहुत ही प्यारी प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। देखिए नीचे जो है वो पत्थर बनाया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग अयोध्या आना चाहते हो तो। यहाँ पर देखिए अयोध्या में जितना भी स्थान है घूमने लायक, फिर दर्शन करने लायक, देखिए दोस्तों यही है लोगों जो मैं बोल रहा था, इस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है चौराहे पे और काफ़ी अच्छा व्यू देता है यहाँ से, इस साइड से और इधर का, इसी वाले मार्ग का मैं बात कर रहा था इस साइड। जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज वाले ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं अयोध्या का जो गुप्तार घाट है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है, एक बोल सकते हैं उसको टूरिस्ट प्लेस जो है बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि लोग जो बाहर से आएँ तो यहाँ पे रुके। अगर आप लोग अयोध्या कभी भी आते हो तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए क्योंकि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है, आपको साथ साथ बहुत ही अच्छा शांति माहौल मिलने वाला है। क्या क्या चीज़ें, क्या सुविधाएँ हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा दोस्तों, ये है वाटर मेट्रो स्टेशन है इसका, वाटर मेट्रो नहीं है, ये स्टेशन जो है यहाँ पे लाया गया है, यहाँ पे रखा हुआ है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और पहले भी मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ से। और ये चीज़ अगर आप लोग देखेगा यहाँ पे तो इसका जो है इलेक्ट्रिक होने वाला ये पूरा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है लाइटिंग वगैरह के लिए सारी चीज़ें लगाई गई हैं, जैसे कि इधर ट्रांसफार्मर वगैरह हो गया, इसको लगाया गया है ताकि इसको जो वाटर मेट्रो आए इसको जो है यहाँ पर रिचार्ज किया जा सके। देखिए यहाँ से इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा पूरा, और भी आगे कुछ कुछ अपडेट किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मैं आपको चल के दिखाता हूँ। जिस तरीके से दोस्तों ये सारे वर्क हो रहे हैं, इधर अगर मैं बताऊं तो ये चीज़ें आप लोग देखेगा तो ये पत्थर वगैरह आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो है पानी का स्तर जो है बहुत ही कम हो चुका है और आगे जो है वो रेत वगैरह भी निकाली गई थी, उस साइड पे जो है बम्बू वगैरह लगाया गया है, अभी मैं चल के आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। और अभी देखिएगा तो बहुत ही मतलब बोल सकते हो बुरी स्थिति इधर की हो गई है क्योंकि इसमें जो है वाटर मेट्रो क्या ही चलेगी। देखिए इसका स्टेशन खड़ा हुआ है यहाँ पे और इतने पानी में कौन सी वाटर मेट्रो यहाँ पे चलने वाली है, ये आप खुद ही देख सकते हो इस तरीके से हालत हुआ है। अभी बाद में देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, अगर जब पहले बाढ़ आती है ढंग से तो पानी यहाँ सीढ़ियों तक आ जाता है इधर तक, लेकिन आपकी हालत देखिएगा कुछ इस तरीके से हो गई है, पूरा रेत वगैरह उस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा इधर। बाकी आगे चलते हैं, आगे चीज़ों आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरीके से वर्क हो रहे हैं इधर, और इधर जो है कुछ सीढ़ियाँ वगैरह बनाई जा रही हैं, अब बाकी आगे चल के पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं किस तरीके से। अभी अगर आप लोग देखिएगा तो ये है सामने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा, और इधर भी जो कुछ अपडेट किए जा रहे हैं, कुछ जो है वर्क वगैरह बनाया जा रहा है, जैसे कि फुटपाथ होता है पतला पतला पार्क वगैरह में, उसी तरीके से यहाँ पर भी बनाया जा रहा है। और कुछ टाइम में जब पूरा अपडेट हो जाएगा तो काफ़ी बेहतर प्लेस हो जाएगा और लोग जो है यहाँ पर ईज़िली जो है आके घूम सकते हैं। और फिलहाल इस तरीके से आपको देखिएगा यहाँ नीचे भी जो है खुदाई वगैरह इधर भी कर रहे हैं, कुछ जो है डालने के लिए शायद पाइप वगैरह पड़े, और इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए यह है प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है इस तरीके से, और इसके साइड साइड भी जो है अपडेट किया जा रहा है, इस साइड भी आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर भी इसी तरीके से कुछ इस तरीके से छोटे छोटे जो है केबिन वगैरह बना दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर बाहर श्रद्धालु आए तो जो महिलाएं आएँ यहाँ पे जो है स्नान करें, जैसे कि आपको पता है पूरा घाट बनाया गया है, तो स्नान करने के बाद जो है अपने कपड़े जो है बदलने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं, ये काफ़ी अच्छा कर दिया गया है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीज़ें। और इधर तो ये चीज़ें अपडेट की गई थी, लाइटिंग वगैरह आप लोग देख सकते हो काफ़ी बेहतर तरीके से जो है लगा दिया गया है। और आगे जो मेन गुप्तार घाट जो मंदिर वगैरह हैं वहाँ पर भी और अच्छे अपडेट हुए हैं, वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ चल के। जैसे कि यहाँ पे देखिए भी वायर्स वगैरह देखिए ये पड़े हुए हैं, सभी जो है कंटिन्यू अपडेट किया जा रहा है, आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें जो हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिएगा बोल सकते हो एक छः महीने बोल सकते हो, छः महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा बन के। इधर भी देखिएगा ये पूरा वर्क हो रहा, देखिए ये सभी में जो है कंस्ट्रक्शन के वर्क अभी चल ही रहे हैं और अभी कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद जो है कम्प्लीट हो जाएगा, ये चीज़ें देखिएगा। यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, जैसे कि यहाँ के लोकल के हैं आसपास के, वो सारे लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। शाम वाम के टाइम में तो बहुत ही प्यारा व्यू रहता है यहाँ का, पूरा पूरा शांत माहौल हर चीज़ है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ें एक बोर्ड देखिएगा आप लोग, इसका जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिए
अगर आप लोग अयोध्या आना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए अयोध्या में जितना भी स्थान है घूमने लायक फिर दर्शन करने लायक सारे चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि दर्शन महल हो गया, कनक भवन हो गया, हनुमानगढ़ी हो गया और नीचे जो है सीता की रसोई, ठीक है, ये सारी चीज़, राम की पैड़ी, नागेश्वरनाथ मंदिर, ये सारी चीज़ें लिखा गया और साथ ही साथ उसके बारे में भी बताया गया है कितनी दूरी पर है, कितनी सीढ़ियाँ हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं, सब कुछ यहाँ पर बताया गया। आप लोग इसकी शॉट लेके इसको जो है ईजिली रीड कर सकते हो, सारी चीज़ें एक ही बैनर रखा गया यहाँ पे। यहाँ से जो है निकालना स्टार्ट किए थे और ऐसे ऐसे ले जाके वहाँ तक पूरा निकाले हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, ये चीज़ें आप लोग देखिए इस तरीके से यहाँ पे निकाला गया है रेत को पूरा, और अभी का माहौल इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अभी तो जो है वर्क वगैरह बंद हो गए, इसके पहले मैं आया था तो यहाँ पर जो है मशीनें लगी हुई थी, और इधर देखिए पानी पूरा ख़त्म हो चुका है, इधर कीचड़ वगैरह इधर आपको देखने को मिलेगा। और ये सारे काम बात करें साइड पर तो भाई काम चल ही रहा है, बहुत ही जल्दी ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, जैसे कि शायद यहाँ पर भी एक कैंटीन इधर भी रहेगा ये छोटा सा, और ऐसे ऐसे करके काफ़ी अच्छी जो है व्यवस्था की जाएगी अच्छा सा रहने के लिए काफ़ी, क्योंकि लंबा है देखिए यहाँ से स्टार्ट है, मैं पूरा उधर से वीडियो बनाते हुए आ रहा हूँ उधर तक है ये पूरा, काफ़ी लंबा ये पार्क है पूरा, और जब ये पूरा बन ही जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी देखिएगा कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क ही है जो कि चल रहे हैं, देखिए ये सारी चीज़ें काम वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे। इधर देखिए लाइटिंग लगाई जा रही है कुछ नए तरीके से इधर, और कैमराज वगैरह भी लगे हुए हैं हर जगह पे, यहाँ पर भी लगा हुआ है कैमरा, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे सिक्योरिटी का भी ध्यान दिया गया है ठीक ठाक। और इधर जो है आपको बोट बहुत सारी मिल जाएंगी, पूरा यहाँ पर बोट ही मिलेंगी आपको, तो इसलिए जो है आप लोग राइड वगैरह कर सकते हो इधर। और इधर भी मैंने बताया था तो इधर भी जो है आगे बोट वगैरह थी, वाटर मेट्रो नहीं चल रहा है, उसका वजह यही है कि पानी नहीं है इसमें, पानी बहुत ही कम है, तो नॉर्मल सी जो बोट है यही जो है चलती है यहाँ पे। तो ये है दोस्तों घाटों की साइड का व्यू, इस तरीके से मैंने आपको पूरा दिखाया इस साइड से, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों उस साइड पर, उस साइड पर बहुत अच्छे अच्छे एडवेट किए गए हैं, वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। नया है इस साइड पर, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का, तो आप लोग आओ तो इस पार्क में भी जो है यहाँ पे घूम सकते हो। बाकी मार्ग वगैरह का अपडेट तो बहुत ही अच्छे तरीके से इधर हो गया है, साथ ही साथ इधर मैं आपको दिखाऊंगा तो एक इधर एक राउंड शेप में बहुत सारे चौराहा बनाया गया है, और यहाँ पर भी एक लोगो लगाया गया है, और उस साइड का जितना भी मार्ग गया हुआ है बहुत ही प्यारा व्यू है, मैं आपको चल के थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो पहले इधर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यही है लोगो जो मैं बोल रहा था, इस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है चौराहे पे, और काफ़ी अच्छा व्यू देता है यहाँ से इस साइड से। और इधर का इसी वाले मार्ग का मैं बात कर रहा था, इस साइड का आप लोग देखिएगा बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको थोड़ा सा चल के आगे दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिएगा ये पार्किंग यहाँ पर मना है, 500 रुपया है जो जुर्माना है अगर आप लोग यहाँ पर पार्क करोगे तो। और इधर का भाई बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही कम जो है गाड़ी वगैरह चलती है, और फिलहाल जो है बंद ही रहता है ये मार्ग, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाने के बाद भी इसको बंद किए हैं। बाकी बहुत ही अच्छा व्यू है, इधर जो है टावर वगैरह लग गए हैं, ये तो हाल ही में ही लगा है इस साइड पे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ का व्यू इस मार्ग को देख ही सकते हो, आगे जो है इसी तरीके से है, और काफ़ी प्यारा व्यू है जो इधर का है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये पार्क है, और पार्क के बगल आप लोग देखिएगा ये प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा लगाई गई है, जो कि बहुत ही प्यारी प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। देखिए नीचे जो है वो पत्थर बनाया गया है, ऊपर जो है प्रभु श्री राम जी की इस तरीके से प्रतिमा बनाई गई, देखिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जय श्री लिखा श्री राम लिखा हुआ है, इधर जो है राम मंदिर का कुछ इस तरीके से प्रतिमा बनाई गई। भाई बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का, आप लोग देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है भाई। ये था दोस्तों कुछ गुप्तार घाट के साइड के आसपास का व्यू, जो कि नया अपडेट किया जा रहा, मैंने वो भी दिखाया। साथ ही साथ यहाँ पे आप आके जो है इजीली काफ़ी अच्छे तरीके से घूम सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेस है यहाँ पे, वो सारी चीज़ों को मैंने दिखाया ठीक है। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना अगर कि क्योंकि आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।